जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। बबीना यूपी एसटीएफ और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और बबीना थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे के संयुक्त निर्देशन में करोड़ों कीमत का तस्करी कर ले जाया जा रहा अवैध गांजा टैंकर से बरामद किया गया। एसटीएफ टीम द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर सुबह से ही MH18AA8297 कंटेनर को ट्रैक किया जा रहा था, जिसे बबीना के ग्राम बड़ौरा हाईवे के पास घेराव बंदी करके कंटेनर को रोका गया। जैसे ही कंटेनर के चालक ने पुलिस टीम को देखा तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से चालक समेत परिचालक को भी गिरफ्तार कर लिया। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ टीम ने कंटेनर को बबीना थाने में लाकर कड़ी मशक्कत करने के बाद ट्रक से गांजे को बाहर निकाला गया। गैस कंटेनर इस प्रकार तैयार किया गया था कि दूर से सिर्फ ऐसा प्रतीत हो कि कंटेनर में सिर्फ गैस भर के जा रही है। छोटे छोटे पैकेट के 1-1 किलो के टेप लगाकर पैकेट बनाई गई थी, जिसे बड़ी बड़ी बोरियों में पैक किया गया था। खबर लिखे जाने तक गांजे की तुलाई और जांच कार्रवाई चलती रही है। नमस्कार साथियों, मैं आरिफ मंसूरी बुंदेलखंड न्यूज 24 से। आज झांसी के बबीना थाने में ये जो कंटेनर हम मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो बोरियां देख रहे हो, ये गांजे की बोरियां हैं। ये गांजे तस्कर जो कहा जाता है, तस्करी हो रही है। इसकी सूत्रों के अनुसार जब इस कंटेनर का पीछा किया गया, कहीं ना कहीं इस कंटेनर में ये एक दर्शाया गया था कि जैसे जीत जा रही है, जिसके पीछे काफ़ी टाइम से डिपार्टमेंट लगा हुआ था। और जब डिपार्टमेंट को सफलता मिली बबीना टूल प्लाजा पे, जब इस कंटेनर को रोका गया, तब इसको बबीना पुलिस लोकल पुलिस बबीना को भी सूचना की गई। उसके बाद इस कंटेनर को बबीना पुलिस के थाने लाया गया, जहाँ पर अभी इस टाइम पर गांजे की गिनती चल रही है। जो सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं, जो कानूनी कार्रवाई होती है, वो सारी चीज़ें फॉलो अप हो रही हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा, मेरे पीछे भी दिखाइएगा, पाउच बाई पाउच, नंबरिंग बाई नंबरिंग चल रहा है। जितनी भी बोरियों में से निकल रहा है, हर चीज़ एक एक चीज़ को चेक करके और नंबरिंग करके उसको सील करी जा रही है, उसको सील किया जा रहा है, हर एक चीज़ हो रहा है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा, कंटेनर भी दिखाइएगा आप, इस कंटेनर में जिस तरीके से ये अवैध रूप से ये चीज लाई जा रही थी, यहाँ पे जो हो रहा है आप पूरा देखिएगा। टीम लगी हुई है, विभाग के लोग लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि विजुअल करिएगा, जूम करके जरा दिखाइएगा, पास ले जाके दिखाइएगा। ये जो पाउच है, ये गांजे के पाउच जिसे कहा जाता है, गांजे के पाउच जिसे कहा जाता है। मेरे पीछे भी टैंकर लगा हुआ है, टीम लगी हुई है। कैमरामैन से बोलूंगा, आप दिखाइएगा, बताइएगा, ये जो चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। आरिफ मंसूरी के साथ रफी क्राइम की रिपोर्ट।